हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं आइस अकेडमी। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लेक्चर स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा फिजिक्स का जो है क्लास कोर्स लॉन्च हो चुका है कॉमेट के 2021 के लिए। आप इनसे बहुत सारे बच्चे डेमो वीडियो के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो डेमो वीडियो के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। डेमो वीडियो जल्दी ही आने वाला है चैनल पर, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में UPI ID मिल जाएगा और गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। UPI ID पे पेमेंट करके और गूगल फॉर्म भर के आप इस कोर्स में आ सकते हैं। तो आप सभी का इस कोर्स में वेलकम है और ये कोर्स बहुत अच्छे से चलने वाला है हमारा। ठीक है, तो ज्वाइन कीजिए। हम लोग यहाँ पर टारगेट 45 प्लस रखे हैं इस कोर्स के थ्रू। ठीक है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा किया फिर भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करके हाई लेवल तक जाने वाले हैं, तो जल्दी से हमारे कोर्स के लिए अवेल कीजिए। 5 अगस्त से क्लास स्टार्ट होने वाला है उसका। तो आज के स्टूडियो हम लोग बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। इसके पहले हमने 7 लेक्चर्स कर रखा है, तो अगर आपने उस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जाके देखिए, वो लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने लगभग 7 लेक्चर्स में लगभग 8 to 9 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, आज हमारा होने वाला है प्रोबेबिलिटी लेक्चर। 8 का पॉइंट है हमारा प्रोबेबिलिटी। चलिए हम प्रोबेबिलिटी वाले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सीखना है सम बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, कुछ टर्म्स और कॉन्सेप्ट के बारे में सबसे पहले सीखते हैं हम प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले। तो वो है सबसे पहले हमारा एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले सीखना होगा हमें कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो वो क्या होता है, बेसिकली कोई एक चीज़ हैपन, मतलब कोई एक्शन हुआ जिसका प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, उसी को हम लोग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अब ये लैंग्वेज में कैसे होगा, तो एन एक्शन और ऑपरेटिंग ऑपरेशन रिजल्टिंग इन टू और मोर आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। एक कोई एक्शन हुआ, वो कोई रिजल्ट दे रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वो इन एन एक्शन और ऑपरेशन, कोई एक्शन या फिर ऑपरेशन जो कि टू या फिर ज़्यादा आउटकम दे रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। सैंपल स्पेस क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस डिनोटेड बाय एस। एन एलिमेंट ऑफ एस इज कॉल्ड अ सैंपल पॉइंट। सैंपल स्पेस मतलब क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट हमने किया तो उसका जो भी आउटकम्स होगा वो उसको बोलते हैं हम लोग सैंपल स्पेस। कोई एक एक्सपेरिमेंट का, कोई एक एक्शन का जो भी आउटकम्स होगा, हम लोग कुछ कर रहे हैं उसका आउटकम क्या होगा, तो जो जो आउटकम पॉसिबल है उसको हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। और उस सैंपल स्पेस पूरा सेट में जो कोई सिंगुलर जो मतलब कि रेस्पेक्टिव जो होता है उसका एलिमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं सैंपल पॉइंट। क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट। ठीक है, इवेंट के बारे में बात करते हैं। तो इवेंट होता है एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज एन इवेंट। कोई भी सैंपल स्पेस का सबसेट अगर हम लोग निकालते हैं तो उसको इवेंट बोला जाता है। ठीक है, और सिंगल सिंपल इवेंट क्या हो गया, तो एन इवेंट इज कॉल्ड अ सिंपल इवेंट इफ इट इज अ सिंगलेटन सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेसेस। सिंपल इवेंट कब होगा, जब हमारा कोई इवेंट का जो सबसेट होगा, जो सबसेट ऑफ सिंपल स्पेस, जो कोई इवेंट हुआ उसमें जो सैंपल स्पेस का जो सबसेट होगा वो सिंगलेटन मतलब कि सिंगल होगा, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इवेंट। कंपाउंड इवेंट के बाद में बात करते हैं, तो इट इज ज्वाइंट ऑकरेंस ऑफ टू और मोर सिंपल इवेंट्स। ये जो है, जैसे सिंपल इवेंट हमारा हुआ, उसका ज्वाइंट ऑकरेंस दो या दो से ज़्यादा सिंपल इवेंट का, उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स की हम अगर बात करें, तो अ नंबर ऑफ सिंपल इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ देर इज नो रीजन फॉर वन इवेंट टू अकर इन प्रेफरेंस टू एनी अदर इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट मतलब क्या हुआ, अ नंबर ऑफ सिंपल इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली। कोई नंबर ऑफ सिंपल इवेंट्स को हम लोग कब कहेंगे इक्वली लाइकली, जब वहाँ पे नो रीजन फॉर वन इवेंट टू अकर इन प्रेफरेंस टू एनी अदर इवेंट। कोई एक इवेंट का कोई रीजन नहीं होता है दूसरे इवेंट से उसको उसके ऑकरेंस को लेकर। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट का बात करें, तो ऑल द पॉसिबल आउटकम्स टेकन टुगेदर इन विच एन एक्सपेरिमेंट कैन रिजल्ट आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव और डिसजॉइंट। एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट का सभी पॉसिबल आउटकम को अगर एक साथ हम लोग ले लेते हैं, वो है जो होता है वो एग्जॉस्टिव एलिमेंट होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट होता है, या फिर उसको हम लोग डिसजॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट क्या हुआ, तो इफ टू इवेंट्स कैन नॉट ऑकर साइमल्टेनियसली देन दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई। क्या हुआ, इफ टू इवेंट्स कैन नॉट ऑकर साइमल्टेनियसली, अगर दो इवेंट साइमल्टेनियसली नहीं हो रहा है देन दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और वो दोनों हो जाएगा वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। साइमल्टेनियसली मतलब एक के बाद एक ऐसे अगर नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर डिसजॉइंट इवेंट। और इसको हम लोग, इसका क्या हो जाएगा फिर, एलिमेंट का इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा, क्योंकि कोई साइमल्टेनियसली नहीं हो रहा है, इसका कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं होगा।
कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट क्या होता है, तो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट डिनोटेड बाई ए बार ए डैश या फिर ए सी हम लिख सकते हैं इज द सेट ऑफ ऑल सिंपल पॉइंट ऑफ द स्पेस अदर दैन द सिंपल पॉइंट इन ए ए। ठीक है, जैसे कोई एक इवेंट हुआ ए, जैसे कोई एक इवेंट हुआ ए, इसके इसमें जो है, इसमें जो भी एलिमेंट है इसके अलावा जो भी है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, और उसको डिनोट करते हैं हम लोग ए बार ए डैश या फिर ए कॉम्प्लीमेंट ए सी से। ठीक है, तो क्या हुआ इसका मतलब, कॉम्प्लीमेंट मतलब जो इवेंट हुआ है उसमें जो जो एलिमेंट है उसके अलावा जो है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। ये सब इम्प्लीमेंट करेंगे हम क्वेश्चन में तो भी समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, चलिए मैथमेटिकल डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी हम लोग सीख लेते हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, ये थोड़ा थ्योरेटिकल। देखिए हम समझते हैं, लेट द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ एन एग्जॉस्टिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली केसेस। मान लेते हैं हम लोग एक एक्सपेरिमेंट में एन एग्जॉस्टिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इक्वली लाइकली केसेस है, द सिंपल स्पेस इज एस हैज एन सिंपल पॉइंट, तो उस सिंपल स्पेस एस का एन सिंपल पॉइंट्स होगा, और इफ एन इवेंट ए कंसिस्ट ऑफ एम स्पेस पॉइंट सिंपल पॉइंट्स, तो क्या होगा कि एम इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो बट लेस दैन इक्वल टू एन, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए डिनोटेड बाई पी ए इज डिफाइंड टू बी एम बाई एन। तो बेसिकली इतना कुछ लैंग्वेज मत समझना, जैसे कि अगर कोई 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 पी ए है और ए का जो ए में जो है एम में जो है एन एलिमेंट है, मान लो 1, 2, 3, 2 n तक एलिमेंट है, और दिया गया है कि इसमें से m m नंबर ऑफ एलिमेंट का प्रोबेबिलिटी निकालो, तो वही बेसिकली होता है कि p a इज इक्वल टू इसको यहाँ पर लिख दो m बाई n। ठीक है, उतना लैंग्वेज समझने की जरूरत नहीं है, समझना यही कि मान लीजिए कोई एक a में जो है एक कोई इवेंट हो रहा है उसमें जो है 1, 2, 3 और n तक एलिमेंट है उसका, और इसमें से m नंबर का, m कोई एक वेरिएबल है उसका नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो उसका ये हो जाएगा एम बाई एन, मतलब जितना का निकालना है उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग टोटल आउटकम से, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी। यही मैथमेटिकल लैंग्वेज में होता है इसका डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी का। अब देखिए क्या पढ़ना है हमें, लेट एस इज इक्वल टू ए वन ए टू टू द ए एन टू एन ए एन विद अ सिंपल स्पेस हम मान लेते हैं, तो पी एस क्या हो जाएगा एन बाई एन, एन बाई एन इज इक्वल टू वन कोरस्पॉन्डिंग टू द सर्टेन इवेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एन बाई एन है और सभी का निकालना है, तो एन बाई एन इज इक्वल टू वन हो जाएगा, और पी फाइव मतलब कि कोई एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, इस सिंपल स्पेस में नहीं है, तो उसका जीरो बाई एन हो जाएगा, तो मतलब जीरो कॉरेस्पॉन्डिंग टू नल इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग नल इवेंट या फिर इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो सी में दिया गया है कि इफ़ ए इफ ए आई इज इक्वल टू ए आई इंटू वन और इज इक्वल टू वन टू एन, देन ए वन इज द इवेंट कॉरेस्पॉन्डिंग इज आई वन है इवेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू सिंपल सिंगल सैंपल पॉइंट ए वन, देन पी ए वन इज इक्वल टू वन बाई एन। ठीक है, वन टू एन रहेगा तो, और इवेंट देन ए वन इज द इवेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू सिंगल सैंपल इवेंट पॉइंट, और कोई एक सिंगल सैंपल पॉइंट निकालना तो वन बाई एन होता है, और जो पी ए होता है वो या तो जीरो होगा या फिर जीरो से ग्रेटर होगा और वन या फिर वन से छोटा होगा। ठीक है, तो कभी भी प्रोबेबिलिटी जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है बट लेस देन इक्वल टू वन होता है। ऑड्स अगेंस्ट एंड ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट। ठीक है, एक इवेंट का एक फेवर में एक अगेंस्ट है, हम क्या होता है उसको सीखना है हमें। तो लेट देयर बी एम प्लस एन इक्वली लाइकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव केसेज आउट ऑफ विच एन इवेंट ए कैन ऑकर इन एम केसेज डज एंड डज नॉट ऑकर इन एन केसेज। मान लेते हैं हम एम प्लस एन जो है इक्वली लाइकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव केसेज है, जिसमें से इवेंट ए है, जिसमें से इवेंट एक इवेंट ए है जो एम केस तक एम केस पे हो सकता है और इन केसेस पे नहीं हो सकता है, तो डिफिनेशन क्या हो जाता है, डिफिनेशन क्या हो जाता है प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस क्या हो जाएगा एम बाई एम प्लस एन, क्योंकि एम जो है वो हो सकता है बट एन नहीं हो सकता है, तो एन हम नहीं लेंगे, एम लेंगे बाई टोटल आउटकम है जो है एन, तो एम प्लस एन, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस जब पूछेगा, ये तो ऑकरेंस का हो गया हमारा, और नॉन ऑकरेंस का जब हम पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा n बाई एम प्लस एन, ईजी है, मतलब जितना का बोलेगा वाई टोटल आउटकम। ठीक है, तो वो आपको इजी होता है, और ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस का रेशियो निकालो होते हैं एम एस टू एन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, दस द ऑड इन फेवर ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए इज डिफाइंड बाई एम एस टू एन, दैट इज पी ऑकरेंस टू रेशियो ऑफ पी नॉन ऑकरेंस। ठीक है, तो यही ऑड इन फेवर बोला जाएगा कि ऑड इन फेवर ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए वो कैसे निकलता है, तो पी ऑकरेंस को का रेशियो पी नॉन ऑकरेंस से। ठीक है, यही होता है ऑड इन फेवर, और ऑड इन अगेंस्ट हो जाएगा तो वो पी नॉन ऑकरेंस से रेशियो कर देना,
डिवाइड कर देना पी ऑकरेंस से, तो ये नॉन ये हो जाएगा ऑड इन फेवर, हो जाएगा ऑड इन अगेंस्ट, समझ में आया। एडिशन थ्योरम हम लोग सीख लेते हैं प्रोबेबिलिटी का, तो इफ ए एंड बी आर एनी इवेंट्स इन एस, मान लीजिए कोई एक सिंपल स्पेस एस है उसमें इवेंट्स है ए एंड बी, तो वहाँ पे पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। पी बी माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यूनियन मतलब कोई, जैसे कि एंड और समझना, एंड और मतलब क्या हुआ, और मतलब किसी एक को लिए, एंड मतलब सभी लेना है, तो उसी तरह से यहाँ पे है ए यूनियन बी मतलब जैसे जो 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 सेम है, ठीक है, उसमें से दोनों दो मान लीजिए ए और बी दिया गया है, उसमें से हर एक का एक एक एलिमेंट लेना है, आपने ये पढ़ा होगा सेट्स में, ठीक है, वरना आगे हम लोग पढ़ेंगे सेट्स को। और इंटरसेक्शन मतलब उसका जो जो सेम एलिमेंट है वही सिर्फ हम ले सकते हैं, तो पी ये जो फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में इंप्लीमेंट होगा आपका। तो पी ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नॉन नेगेटिव नंबर, इट फॉलोज दैट पी ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू पी ए प्लस बी, ये भी आपको याद होना चाहिए इसका कंडीशन, क्योंकि चूंकि प्रोबेबिलिटी जो है नॉन नेगेटिव इवेंट होता है, नॉन नेगेटिव नंबर होता है कभी भी, तो यहाँ पे हो जाएगा पी ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू पी ए प्लस बी बी, ठीक है, तो ये याद रखना। फॉर थ्री इवेंट पी ए बी एंड सी इन एस सिंपल स्पेस एस, वी हैव पी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी कर देना, फिर माइनस पी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए और प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत याद कर रखना, ठीक है, इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूला को भी बहुत ज़्यादा याद रखना, मैं मार्क करते रहूँ जहाँ इंपॉर्टेंट है और उसको एकदम याद करके रख लेना, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। जनरल फॉर्म ऑफ एडिशन थ्योरम सीखना है हमें, तो लेट एन जो है फॉर एन इवेंट्स दिया गया है ए वन ए टू ए थ्री टू एन एन इन ए सिंपल स्पेसेस, वी हैव ए वन इंटर यूनियन ए टू टू ए एन, ठीक है, और इसका हम लोग निकालना है, कैसे निकालेंगे इसका, तो आई इज इक्वल टू इनफाइनाइट तक है एन तक है, तो पी ए आई माइनस आई जे आई इज इक्वल टू जे, ठीक है, आई इज लेस देन जे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पी ए आई इंटरसेक्शन पी ए जे, ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे आई क्या जगह वन रखेंगे और आई जो है वो मान लीजिए टू रखेंगे, तो ए टू और जे से छोटा होना चाहिए, तो ये वन हो जाएगा टू माइनस, ठीक है, तो इसका यही समझना है, तो ये भी आपको याद रखना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट अगर इन नंबर ऑफ सिंपल नंबर ऑफ इवेंट्स रहेगा एक सिंपल स्पेस में। और इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू जीरो, सो दैट पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अगर मान लीजिए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो पी ए इंटरसेक्शन बी तो जीरो हो जाएगा, और उसी तरह से पी ए यूनियन बी हो जाएगा हमारा, हो जाएगा पी ए प्लस पी बी इसका एडिशन, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम हमें सीखना है, तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट इवेंट का सीख लो, सो इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन हैपनिंग ऑफ बी विल हैव नो इफेक्ट ऑन ए। अगर मान लीजिए दो इंडिपेंडेंट इवेंट है ए और बी, तो दोनों में से किसी का भी हैपनिंग जो है एक दूसरों का इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। तो डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हम सीखते हैं, अब क्या है भाई वो जानते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिवनेस जो होता है इज यूज वैन इवेंट्स आर टेकन फ्रॉम सेम एक्सपेरिमेंट एंड इंडिपेंडेंस वैन इवेंट्स वन टेक्स फ्रॉम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस कहाँ पे होता है, जहाँ पे सेम एक्सपेरिमेंट और इंडिपेंडेंस जो देखा जाता है, जहाँ पे इवेंट वन टेक्स फ्रॉम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कोई एक इवेंट जो है वो अदर एक्सपेरिमेंट्स ले जाता है और सेम एक्सपेरिमेंट से देखा जाता है कि वो एक्सक्लूसिव है या नहीं है, इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिवनेस। इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाई बर्ड एंड बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो है वो रिप्रेजेंट किया है और से, समझ में आया। इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट को एंड से करते हैं और म्यूचुअली को और से करते हैं, समझ में आया, और मतलब कोई एक, एंड मतलब सभी लेना है हमको, ठीक है। यहाँ पे है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से टेकन फ्रॉम सेम एक्सपेरिमेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेम से लिया जाता है इंडिपेंडेंस को व्हेन इवेंट वन टेक्स फ्रॉम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंस जब इवेंट वन टेक्स फ्रॉम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। When events are independent, जब events independent होगा तो पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए एंड पी बी बाई बी बी बाई ए इज इक्वल टू पी बी हो जाता है,
समझ में आया? जब दो इंडिपेंड दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उसका रेशियो जो हो जाएगा वो पी ए की इक्वल, मतलब न्यूमरेटर वाला इवेंट के इक्वल हो जाएगा। और ये भी हम लिख सकते हैं कि पी बी वाई है इक्वल टू पी बी, मतलब उसका न्यूमरेटर वाला ही इक्वल होगा, डिनोमिनेटर वाला नहीं होगा। तो न्यूमरेटर में जो भी इवेंट होगा उसके इक्वल हो जाएगा। और जो है पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, फिर पी ए डॉट पी बी, या फिर पी ए बी लिख सकते हैं हम लोग पी ए डॉट पी बी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा। समझ में आया? जब इंडिपेंडेंट रहेगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि दोनों इंडिपेंडेंट है, तो डायरेक्ट वहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी लगा देना है, ये वाला। समझ में आया? पी ए डॉट पी बी, और डिवीजन वाला में पी ए एंड पी ए के इक्वल हो जाएगा, या फिर पी बी बाई ए इक्वल टू पी बी हो जाएगा। ठीक है, व्हेन इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, जब इवेंट्स जो है नॉट इंडिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट हो जाएगा मतलब, ठीक है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस हैपनिंग ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए डॉट पी बी बाई ए, या फिर पी बी इंटू पी ए बाई बी, या फिर पी ए डॉट बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी बाई ए, और पी बी इंटू पी ए बाई बी। अगर इन नॉट इंडिपेंडेंट होगा, मतलब डिपेंडेंट है, क्वेश्चन में दिया है कि डिपेंडेंट है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए डॉट पी बी बाई ए, या फिर पी बी डॉट पी ए बाई बी, या फिर पी ए बी रहेगा अगर तो पी ए इंटू पी बी बाई ए, या फिर उसको हम ले सकते हैं पी बी इंटू पी ए बाई बी। तो इस चीज़ को भी याद रखना, इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए देखिए क्वेश्चन में देखना पड़ेगा आपको कि क्या दिया गया, इंडिपेंडेंट दिया गया या डिपेंडेंट दिया गया है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ ऑफ द एन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कोई एक जो है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो मान लीजिए पी वन पी टू पी थ्री जो है आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंडिपेंडेंट इवेंट, पी वन पी टू पी थ्री जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी है, और ए वन ए टू ए थ्री ए एन जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एटलीस्ट वन ऑफ दिस इवेंट्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ दिस इवेंट्स, इसमें से कोई एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी है ए वन ए टू ए थ्री ए एन। ठीक है, कोई भी एक हैपनिंग हो रहा है तो उसका प्रोबेबिलिटी ये दिया गया है। तो दिन क्या हो जाएगा, वन माइनस पी वन इंटू वन माइनस पी टू इंटू वन टू वन माइनस पी एन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी ए से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ए वन से ए एन तक, ए वन प्लस ए टू से ए एन तक इज इक्वल टू वन माइनस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए टू टू एन। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न। ठीक है, टू लर्न इसको याद कर लेना। समझ में आया? कंडीशन प्रोबेबिलिटी हम सीखते हैं। इफ ए एंड बी आर एनी इवेंट इन एस, देन द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए इज गिवन बाय, अगर मान लीजिए कोई ए और बी है जो दो इवेंट है सिंबल स्पेस एस में, तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी बी का रिलेटिव टू ए क्या हो जाएगा, पी बी बाई ए इज इक्वल टू पी बी इंटरसेक्शन ए बाई पी ए, और जब पी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो ऑब्वियस है। ठीक है, जब इंटरमेंट कब होगा, तो इस चीज़ को भी याद कर लेना। समझ में आया? पी बी बाई ए क्या हो जाएगा, पी बी इंटरसेक्शन ए बाई पी ए, वही अगर पी ए बाई बी बोला जाएगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। ठीक है, अब सीखते हैं हम लोग बेस थ्योरम, या फिर इनवर्स प्रोबेबिलिटी जो हम उसको बोलते हैं। तो बेस थ्योरम क्या कहता है कि लेट ए वन ए टू ए थ्री टू ए एन बी एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स ऑफ द सैम्पल स्पेस एस एंड ए इज इवेंट वेन कैन विच कैन ऑकर विथ एनी ऑफ द इवेंट। ठीक है, एनी ऑफ द इवेंट्स, देन पी ए आई बाई ए इज इक्वल टू पी ए आई इन टू पी ए आई बाई सिग्न सिग्मा आई टू आई इज इक्वल टू वन टू एन पी ए आई इन टू पी ए बाई ए आई। ठीक है, समझ में आया? अगर मान लीजिए ए वन ए टू ए एन जो है वो एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स है सिंबल स्पेस एस का, और जो है ए जो है वो इवेंट है जो कि मतलब अगर कर सकता है किसी भी इवेंट के साथ, तो जो उसका जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ए पी ए बाई ए, तो वो हो जाएगा पी ए आई इंटू पी ए बाई ए आई बाई सिग्मा वो आई इज इक्वल टू वन टू एन पी ए आई इंटू पी ए बाई ए आई। इस चीज़ को भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए वो जो बेसिक टर्म का कॉन्सेप्ट है उसको छोड़ के सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे 8 पॉइंट में जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रिपीटेड ट्रायल्स ये दिया गया है, तो ये जो है आपको सिलेबस में ये नहीं आ रहा है, नॉट इन कॉमेट के 21, तो हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, कॉमेट के में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और मीन और वेरियंस नहीं आ रहा है आपका। ठीक है, तो इस चीज़ को हम नहीं पढ़ेंगे, टोटल ये भी नहीं पढ़ेंगे आपको।
तो हम यहाँ से पढ़ते हैं 9 नंबर से। 9 नंबर दिया गया है सब इम्पॉर्टेंट रूल्स, पहले अब ध्यान देना है इम्पॉर्टेंट रूल्स क्या क्या है। तो लेट ए एंड बी भी टू इवेंट्स मान लेते हैं, तो पी ए प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट 1 होता है। ये सब पूरा याद करने वाला है, 9 नंबर पूरा पॉइंट जो है वो याद करना है आपको, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। 9 नंबर में क्या दिया, पी ए प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 हो जाता है। और पी ए प्लस भी जो है वो दो मान लीजिए दिया गया है, दो पॉइंट दो दो इवेंट है, उसका एडिशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आप समझ सकते हैं पी ए बाई बी ए क्या हो सकता है, पी ए इंटू बी बाई पी बी हो सकता है। पी ए प्लस बी को क्या और लिख सकते हैं हम लोग, पी ए बी प्लस पी ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस पी ए कॉम्प्लीमेंट ए बी कॉम्प्लीमेंट। ए सबसेट अगर बी है तो पी इज पी ए इज लेस देन इक्वल टू पी बी हो जाता है, ये सबसेट का साइन होता है। पी ए कॉम्प्लीमेंट बी है तो वो हो जाएगा पी बी माइनस पी ए बी, ठीक है, इसको वो लिख सकते हैं हम लोग, पी ए बी इज लेस देन इक्वल टू पी ए पी बी इज लेस देन इक्वल टू पी ए प्लस बी और लेस देन इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है। और पी ए बी इज इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए प्लस बी, और अब पी जो है वो एग्जैक्टली 1 इवेंट है तो उसका हो जाएगा पी ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस पी ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस टू पी ए बी इज इक्वल टू पी ए प्लस बी माइनस पी ए बी। ये सब याद रखने वाला है, इसमें कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं, कुछ नया वाली चीज़ नहीं है, ये सब थ्योरी है, सब याद रखना है आपको। पी नाइदर ए और नॉर बी होगा अगर, तो पी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए प्लस बी, और पी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए बी, ठीक है। नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेज ऑफ टॉसिंग एन कॉइन साइमल्टेनियसली और टॉसिंग अ कॉइन एन टाइम्स, उसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर एन, ठीक है। अगर मान लीजिए एन कॉइन्स को हमने साइमल्टेनियसली टॉस किया तो उसका नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस कितना हो सकता है, 2 टू द पावर एन। अगर मान लीजिए कोई डाइस को हमने टॉस किया एन टाइम्स तो उसका एग्जॉस्टिव कितना होता है, नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस 6 टू द पावर एन, मतलब टोटल आउटकम। सो समझ में आया। अब सीखते हैं हम लोग प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इससे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और ये ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए टोटल कार्ड जो होता है हमारे पास, टोटल कार्ड अगर आपने कार्ड खेला होगा तो पता होगा, वरना नहीं भी खेला है तो पता होना चाहिए आपको कि टोटल कार्ड हमारा 52 कार्ड होता है कार्ड्स, ठीक है, टोटल हमारा 52 कार्ड्स होता है, जिसमें से चार जो है चार सूट्स होते हैं, ठीक है, चार तरह के कार्ड होते हैं, ये समझ लो, ठीक है, चार तरह के कार्ड होते हैं। और हर एक कार्ड में 13 कार्ड होता है, ठीक है, हर एक सूट में 13 कार्ड हो गया। और इसमें जो है एक को बुलाया जाता है आपको हार्ट, एक को बुलाया जाता है आपको डायमंड, इन सूट्स का नाम है, ठीक है, और एक को बुलाया जाता है आपको स्पेड और एक को बुलाया जाता है क्लब, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे ही आपको टेबल बैंक यूज करना, ठीक है, टोटल 52, उसमें चार सूट होता है, इसमें 13-13 होता है। अब इसमें जो 13-13 होता है, हर एक में जो आपका होता है वो आपको हर एक में जो होता है आपको एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, ठीक है, एक किंग क्वीन और एक जैक। तो हर एक जब एक क्वीन किंग एक जैक हो जाएगा तो चार चार सबका हो गया, है ना, चार का हो गया, चार क्वीन किंग हो गया, चार क्वीन हो गया और चार जैक हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। उसी तरह से हर एक में जो है वो एक किंग किंग समझ लीजिए, आप समझ लीजिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग कोर्ट कार्ड्स, ठीक है। कोर्ट कार्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोर्ट कार्ड्स क्या हो गया, तो जो किंग क्वीन और जैक जो होता है उसको कोर्ट कार्ड बोलता है, और चार क्वीन होता है, चार क्वीन होता है और चार जैक होता है, मतलब हर एक में एक 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 किंग एक क्वीन एक जैक होता है, तीन मतलब चारों में, तो तीनों का कितना हो जाएगा 4 नंबर। और चार एसेस भी होता है, मतलब हर एक में एक एसेस भी होगा, मतलब ए वाला जो होता है, ए वाला जो कार्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एसेस, ठीक है, तो एसेस होता है और उसको उसको बोलते हैं हम लोग एसेस। और ये भी आपको हर एक सूट्स में एक एक होता है, हर एक सूट्स में एक एक होता है, तो अगर उसको बोलाता है ऑनर कार्ड, ऑनर कार्ड मतलब ऑनर कार्ड जहाँ पे एस भी आ गया, मतलब चार एस, चार किंग, चार क्वीन और चार जैक्स, मतलब जोकर हम लोग कहते हैं उसको, ठीक है। और कोर्ट कार्ड में चार किंग, चार क्वीन और चार जैक्स, समझ में आया। तो कोर्ट कार्ड कितना हो गया हमारा, ये 12 हो गया, और ये कितना हो गया हमारा 16, ठीक है। तो ये चीज़ कोर्ट कार्ड जैसे हम नहीं भी याद रखें तो चलेगा, बट ये चीज़ याद रखना कि हर एक सूट में जो होता है हमारा एक एक एस होगा, एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, एक जैक होगा, तो चार किंग, चार एस, चार क्वीन, चार जैक होगा। और टोटल 52 कार्ड होता है, उसमें चार सूट्स होता है, हर एक सूट्स का 13-13 कार्ड होता है, एक एक सूट का नाम होता है हार्ट, एक सूट का नाम होता है डायमंड, एक सूट का स्पेड, एक सूट का क्लब, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है, बहुत ज़्यादा इजी, ये कार्ड वाला देखने में लगता है बहुत हार्ड है बट बहुत ज़्यादा इजी है, बस कुछ कुछ टर्म्स सबको बस याद रखना है कि कितना कार्ड किसमें होता है, किस उसका नाम क्या होता है, ठीक है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी रिगार्डिंग एन नेटल्स एंड देयर एनवेलप्स,
ठीक है। अब हमें सीखना है प्रोबेबिलिटी रिगार्डिंग एन लेटर्स एंड देयर इनवलप्स, ठीक है। मान लीजिए एन लेटर्स और उसका इनवलप्स का हमें प्रोबेबिलिटी सीखना है। तो यहाँ पे अगर टाइटल नहीं समझ में आ रहा तो आगे बढ़िए, ठीक है, इसमें समझ में आएगा आपको। इफ एन लेटर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू एन एनवलप्स आर रिप्लेस्ड इन द एनवलप एट रैंडम, एनवलप मतलब आपको वो हो गया जो एनवलप लिफाफा जैसे आप बोलते हैं, ठीक है, लिफाफा, ठीक है, लिफाफा अच्छा बना दिया मैंने ना लिफाफा। हाँ तो मान लीजिए एन लेटर है, उसका एन एनवलप्स है और प्लेस किया गया है एनवलप रैंडम, ठीक है, रैंडमली प्लेस किया गया, तो उसका प्रोबेबिलिटी हमें सीखना है। तो प्रोबेबिलिटी दैट ऑल लेटर्स आर राइट इन राइट एलिमेंट राइट एनवलप क्या हो जाएगा, एन लेटर्स है और हमारे पास एन नंबर ऑफ एनवलप्स है, तो पहला प्रोबेबिलिटी क्या कैसे निकलता है कि मान लीजिए कि हर एक जो लेटर है वो उसके अपने राइट एनवलप में है, उसका प्रोबेबिलिटी हो जाता है 1/n। एन फैक्टोरियल जिसको हम लिखते हैं एन सलवा, ठीक है, 1/n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल पता है कैसे निकलता है फैक्टोरियल, मान लीजिए 3 का फैक्टोरियल निकालेंगे इज इक्वल टू 3 × 2 × 1, 5 का निकालेंगे तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। इसके बारे में आप परम्यूटेशन कम्बिनेशन में और पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी दैट नो लेटर्स इज इन राइट एनवलप, नहीं, सेकंड पॉइंट हमने छोड़ दिया, प्रोबेबिलिटी दैट ऑल लेटर्स आर नॉट, पहले तो कि राइट एनवलप में है तो 1/n फैक्टोरियल हो जाएगा, अगर नहीं है राइट एनवलप पे सभी लेटर्स इधर उधर हुए हुए हैं तो 1 − 1/n फैक्टोरियल हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी दैट लोन लेटर्स इट इज इन राइट एनवलप, कोई लेटर अपने इनवेलेट में राइट एनवलप में नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर n बाई 1 इंटू 1/n फैक्टोरियल। तो ये सब भी याद कर लेना आपको कि एन लेटर उसका एनवेलप प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है। तो प्रोबेबिलिटी दैट एक्जैक्टली आर लेटर्स आर इन राइट एनवेलप्स, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/r फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस टू द प्लस 1 − 1 टू द पावर n माइनस r बाई इंटू 1/n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है थ्योरी खत्म होता है प्रोबेबिलिटी का, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, उसके बाद हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। चलो तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या है हमारा दिया गया है, द वन नेचुरल नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज इट इज प्राइम। हमारे पास दो 20 नेचुरल नंबर्स है, उसमें से एक कोई एक नेचुरल नंबर जो है सेलेक्ट किया गया है और वो सेलेक्ट वो चेक करना है कि क्या वो प्राइम है। प्राइम नंबर मतलब सबसे पहले समझना है क्या होता है, प्राइम नंबर मतलब क्या होता है जिसका कि दो फैक्टर वन और इटसेल्फ, ठीक है। तो देखिए हमारे पास नेचुरल नंबर जो है वो हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 20 है। इसमें से 1 जो है वो नाइदर पॉजिटिव होता है, ये आपको नाइदर नाइदर प्राइम होता है नॉर कंपोजिट होता है। प्राइम का उल्टा क्या होगा, कंपोजिट, नाइदर प्राइम नाइदर नॉर कंपोजिट। तो 1 को छोड़ के हम लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 20। और अगर इसको छोड़ के लेंगे 1 को तो हमारा इवेंट कितना हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा हमारा 2, 5, 7, 11, 13, जिसका दो ही फैक्टर 17 और 19, 20 के बीच में। तो एन ई कितना हो गया हमारा, 8 है ये, तो 8 हो जाएगा ये, ठीक है। तो आप इससे प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एन ई नंबर ऑफ इवेंट्स बाई नंबर ऑफ सिंपल स्पेस विच इज 8/20, 2/5, वेरी इजी है कि नहीं, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को करते हैं, ऐसी क्वेश्चन आपको आएगा इजी इजी। सेकंड क्वेश्चन है जो बेसिक क्वेश्चन है, पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ हार्ट, ठीक है। सूट हमें निकालना है, सूट का कितना होता है 13, ये याद रखना, हर एक सूट का होता है 13, वो हार्ट हो, डायमंड हो, क्लब हो, स्पेड हो, ठीक है। 52 कार्ड्स का जो है हमारे पास पैक है, उसमें से एक कार्ड निकाला गया, उस प्रोबेबिलिटी निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हार्ट होगा, ठीक है, हार्ट से निकलेगा। तो क्या हमारा टोटल जो सैंपल स्पेस हो जाएगा वो हो जाएगा 52, और रिक्वायर्ड चाहिए हमारा हार्ट का, तो उसको हम लोग इवेंट करेंगे कहेंगे, और इवेंट कितना हो जाएगा 13, हार्ट कितना है, हार्ट में कितना कार्ड होता है 13, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, एन ई बाई एन एस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 13/52, विच इज 1/4, इजी है ना। तो ये आंसर हो गया आपका। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि हमारा थर्ड क्वेश्चन में दिया है, सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई इफ सी गेट 1 or 2, सी टॉसेज अ कॉइन 3 times, ठीक है, सी टॉसेज अ कॉइन 3 times एंड नोट्स द नंबर ऑफ टेल्स। इफ सी गेट्स 3, 4, 5 or 6, सी टॉसेज अ कॉइन 1 एंड नोट्स द वेदर द हेड
और टेल इज ऑब्टेंड, ठीक है। इफ सी ऑब्टेंड एग्जैक्टली वन टेल, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट सी थ्रूज 3, 5 और 6 विद द डाई। देखिए हमें जो है यहाँ पे दिया गया है कि कोई एक गर्ल है, उन्होंने एक डाइस थ्रो किया जहाँ पे 1 और 2 उनको मिला, ठीक है। अब वहीं उसी के साथ में उन्होंने क्वाइंस 3 क्वाइन जो है, एक क्वाइन को 3 टाइम्स थ्रो किया और वहाँ पर नंबर ऑफ टेल्स नोट किया। अब जो है उसके बाद अगर ये अवर डाई थ्रो करती हैं और इनके पास 3, 4, 5, 6 आता आउटकम, तो क्वाइन को उन्होंने एक बार थ्रो किया और ये चेक किया उन्होंने कि वो आइदर वो हेड आता है या टेल आता है। और अगर उसके बाद अगर उनको एग्जैक्टली 1 टेल मिलता है, तो उसके बाद ये चेक करना है हमें कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन्होंने उनको जो है डाई थ्रो करने पे 3, 4, 5 या फिर 6 आया। समझ रहे क्वेश्चन, ठीक है, समझ रहे हैं आप क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आगे कैसे बढ़ना है, तो लेट मान लीजिएगा आप लेट ई वन विद इवेंट दैट द गर्ल गेट्स 1 and 2 ऑन द रोल, ठीक है। इवन को हमने मानिए ये, तो क्या हो जाएगा पी इवन कितना हो जाएगा 2/6, ठीक है। 6 आउटकम मिल जाता है तो मिल सकता है, और 1, 2, 2 आउटकम हमें मिल रहा है तो 1/3 हो जाएगा, ही हो जाएगा हो नहीं हो जाएगा। फिर अब मान लेते हैं E2, लेट E2 विद इवेंट दैट द गर्ल गेट्स 3, 4, 5 और 6 ऑन द रोल, ठीक है। हमने ये मान लिया तो PE2 क्या हो जाएगा हमारा, PE2 इज इक्वल टू 4/6, ठीक है। 4 आउटकम्स है और टोटल 6 आउटकम मिल सकता है, तो ये आ जाएगा 2/3, ठीक है। अब यहाँ से हम मान लेते हैं क्या फिर से कि लेट A मान लेते हैं, लेट A विद द इवेंट दैट द गर्ल ऑब्टेंड एग्जैक्टली 1 टेल, लाइन बाय लाइन बढ़ते जाना है, बस जैसे जैसे लाइन में क्वेश्चन दिया है वैसे बढ़ते जाना है। तो हमने 2 कर लिया, यहाँ तक कर लिया कि 3, 4, 5 तक मिल गया, और इसके बाद हम मान लेते 1 टेल मिल रहा है। तो मान लीजिए इन्होंने इफ सी टॉस्ड, इन्होंने जो है टॉस किया क्वाइन 3 टाइम्स एंड एग्जैक्टली 1 टेल शो किया, तो इसका आउटकम क्या हो जाएगा, तो इसका आउटकम हो जाएगा हमारा एच हेड टेल हेड हो सकता है, या तो या फिर हेड हेड टेल हो सकता है, या फिर टेल हेड हेड हो सकता है, हो सकता नहीं हो सकता है, हो सकता है ना 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा पी ए बाई इवन क्या हो जाएगा हमारा, पी ए बाई इवन क्या हो जाएगा 3/8। उसके बाद पी ए बाई ई टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपको 1/2, ठीक है। और ये कब, जब इफ सी टॉस्ड अ क्वाइन ओनली वंस एंड एग्जैक्टली 1 शो मिला, ठीक है। तो ओनली 1 टेल शो किया तभी, ठीक है। तो ये आपको हो गया एग्जैक्टली 1 टेल वाला, ठीक है। PE2 हमारा 2/3 आया था, PE1 आया था 2/6 1/3, तो उससे हमें PE1 निकल गया और PA/E2 निकल गया। A का जो है वो आउटकम 3 है, और टोटल आउटकम कितना हो जाएगा उससे करके इसको हम लोग निकाला, ठीक है। अब देखिए फिर क्या हो जाएगा, PE2/A हमें रिक्वायर्ड निकालना है, क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी 3, 3, 4, 5, 6 विद द टाई टाई जहाँ विद द डाई सॉरी टाई बोल रहा हूँ मैं डाई जहाँ पे टिल मिलर को, तो PE2/A1 निकालना है हमें, ठीक है। जहाँ पे 3, 4, 5, 6 आया और 1 टेल जहाँ पे मिल रहा है, तो उसका किसका कहाँ हमें फॉर्मूला पता है, PE2 बेस थ्योरम से हमें पता है PE2/E2/ यहाँ पे क्या आ जाएगा PE1/PA/E1 प्लस PE2 × PA/E2, ये हो गया हमारा वेज थ्योरम से इसका फॉर्मूला। तो ये इसको सॉल्व कीजिएगा आप, ठीक है, सॉल्व आप कर लेना सबका वैल्यू रख के, ठीक है। E2 का वैल्यू रख देना, फिर A/E2 का वैल्यू रख देना 1/2, तो इसके आपको ये आ जाएगा 8/11 आंसर, चेक कर लेना आप सही है कि नहीं, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 2 different natural numbers आर सेलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। फिर से सिमिलर नंबर 1 टाइप का क्वेश्चन है,
ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर प्राइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ, यहाँ पे बोथ का पूछा गया कि बोथ प्राइम क्या हो सकता है, तो फिर से हम कितना हो सकता है आउटकम्स, कितना हो सकता है आउटकम्स इन फेवर क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 7, 9, 11, सॉरी 11 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, ठीक है 9 नहीं होगा, 11, फिर 13, 17, 19 ये हो जाएगा आपको, और सैम्पल स्पेस कितना हो जाएगा हमारा 20C2, ठीक है, दो दो एलिमेंट का निकालना है और 20 नंबर टोटल नंबर चल रहे, और नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा हमारा 8C2, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये परमुटेशन कम्बिनेशन ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा आपने पता पढ़ा होगा, आपने थोड़ा तो पता होगा आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8C2 बाई 20C2, तो 20C2 ये सब निकालना पड़ता है आपको, 2, 8 × 7 × 2 बाई फैक्टोरियल से निकलता है ना, 8 × 2 × 2 तो उससे ये निकला हमें, तो 2 × 20 × 19 इज इक्वल टू ये आ गया हमारा 14/95। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, ऑफ द स्टूडेंट इन अ स्कूल इट इज़ नोन दैट 30% हैव 100% अटेंडेंस, 30% बच्चों का 100% अटेंडेंस है, 70% बच्चे जो इरेगुलर है, और प्रीवियस ईयर के रिजल्ट के रिपोर्ट में जैसे है कि 70% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु हैव 100% अटेंडेंस अटेन ए ग्रेड, जिन बच्चों का 100% अटेंडेंस उसमें 70% बच्चों का ए ग्रेड आया था, और जो 10% इरेगुलर स्टूडेंट है वो जितने भी इरेगुलर स्टूडेंट्स उसमें 10% बच्चों का ए ग्रेड आया था, इन द एनुअल एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पे एनुअल नहीं होगा, एनुअल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द स्कूल एंड ही वॉज फाउंड टू हैव एन ए ग्रेड, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट हैज 100% अटेंडेंस, ठीक है। इसका मतलब क्वेश्चन में यही दिया गया कि जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसमें से 30% बच्चों का 100% अटेंडेंस है, ठीक है, 70% बच्चे जो है इरेगुलर है, और जो 100% जो बच्चों का स्टूडेंट अटेंडेंस है उन 100% में से 70% बच्चे का ए ग्रेड आया है, और जितने बच्चे इरेगुलर है उनमें से 10% बच्चों का ए ग्रेड आया है, और यहाँ पे देखा गया कि एक एनुअल एग्जामिनेशन में एक बच्चे का जो है रैंडम चूज किया गया और उस बच्चे का ए ग्रेड है, तो यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बच्चा 100% अटेंडेंस वाला बच्चा है, ठीक है, समझ में आया, ईजी है ये भी क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसमें मानना पड़ेगा हमें, लेट E1 बी द स्टूडेंट having 100% attendance, ठीक है, हम ये मान लेते हैं इवन। अब E2 जो है, E2 को मान लेंगे बी स्टूडेंट्स having irregular, ठीक है, irregular दिया गया हमारा नेक्स्ट, तो इसको मान लेंगे irregular, ठीक है, irregular attendance, irregular attendance हो गया ये। उसके बाद E जो है E with the student having ए ग्रेड, ठीक है, हमने ये मान लिया, सब कुछ पहले हमने मान लिया, तीन तरह का दिया गया उसको, तीन तरह का मान लिया हमने, तो P E1 जो है वो कितना दिया गया हमारा, ये क्या दिया गया है, 30% बच्चों का जो है 100% प्लेसमेंट 100% अटेंडेंस है, और PE2 जो है इरेगुलर कितने बच्चे हैं 70%, तो 70/100 ये हो जाएगा। उसके बाद हम क्या ले सकते हैं, PE/E1 जिनका कि ए ग्रेड आया है जो 100% बच्चों में से तो वो हो जाएगा हमारा 70/100 इंटू क्या हो जाएगा 30/100 हो जाएगा 30/100, क्योंकि 30% बच्चों का ही यहाँ पे 70% बच्चों का 70% ऑफ बच्चे 100% में से आया है 100% ए ग्रेड, ठीक है, ए ग्रेड तो ये कितना आ जाएगा 21% बच्चों का ए ग्रेड आया, और वहीं बात करते हैं अगर इरेगुलर में से कितना आया हमारा, तो वो है दिया गया 10%, ठीक है, 10/100 हो जाएगा इंटू 70/100, तो ये दिया गया है कि इतना बच्चे इरेगुलर है, तो ये हमको 7%, तो ये रिक्वायर्ड हो गया। अब बेस थ्योरम क्या कहता है हमारा भाई, बेस थ्योरम आपने पढ़ा, बेस थ्योरम बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बेस थ्योरम क्या कहता है हमारा कि P E1 by ये हो जाएगा ना, E1 by E निकालना है हमें, निकालना है कि 100% बच्चे में से है या नहीं है वो चेक करना है हमें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा P E1 × P E1 × P E by 1 + P E2 × P E by E2 ये दिया गया है हमारा, ये होता है बेस्ट फॉर्म से, तो इसके पास वैल्यू रख देना और आ जाएगा जो कि आता है आपको यहाँ पे 63/112, ये सॉल्व करके
खुद से रख देना वैल्यूज में, ठीक है, वैल्यू रखोगे तो आ जाएगा आपको। यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कि टू डिफरेंट नेचुरल नंबर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, ठीक है, टू डिफरेंट नेचुरल नंबर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 100 नेचुरल में से दो डिफरेंट नंबर सेलेक्ट किया गया और वो मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक है, व्हाट एंड आर मल्टीप्लाइड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 5/5, और दोनों लोग जब प्रोडक्ट करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिविजिबल बाय 5 होता है। तो देखिए पहला मेथड क्या है, पहला मेथड क्या है हमारा कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे फॉर्म, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, मान लीजिए हम मान लेते हैं यहाँ पे सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा हमारा, दो है 100 में से दो है तो 100 C2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और एन ई निकालना है एलिमेंट्स कैसे निकाल सकता है, देखिए दो है तो या तो दोनों डिविजिबल हो सकता है, व्हेन बोथ आर डिविजिबल बाय 5, और या तो दोनों में से कोई एक डिविजिबल होता है, वन नंबर इज डिविजिबल बाय 5 है और अनदर एंड अनदर नंबर जो है इज नॉट डिविजिबल बाय 5, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसे निकलेगा, तो ये क्या निकल जाएगा हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट, सबसे पहले तो कितना नंबर डिविजिबल हो सकता है 100 में से, 20 डिविजिबल हो सकता है, ठीक है, 20 C2, कितना यहाँ पे एक हो सकता है डिविजिबल, तो उसके लिए क्या हो जाएगा 20 C1, या फिर जो नहीं हो सकता है वो कितना हो जाएगा 80 नंबर बच गया 80 C1, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ प्रोबेबिलिटी हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट बाय नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, तो कितना हो जाएगा हमारा 190, सॉल्व कर लेना 190 प्लस 1600 बाय 50 इंटू 99, तो ये हमारा आ जाएगा 179/495। एक फार्मूला मैं यहाँ पर लिखता हूँ NCR का, NCR का फार्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, तो ये चीज़ से यहाँ पे ये सॉल्व होता है, ठीक है, ऊपर वाला, तो ये समझ में आ गया। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है कि द अ बैग एक्स कंटेन्स 4 वाइट बॉल्स 2 ब्लैक बॉल्स while another bag y contains 3 white balls and 3 black balls, 2 balls are drawn without replacement, ये ध्यान देना है आपको, at random from one of the bags and were found to be one white and one black, find the probability that the balls were drawn from y, ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि bag x में 4 white ball है 2 black ball है और another बैग वाई है जिसमें आपको 3 वाइट बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है और 2 बॉल जो है वो निकाला जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, रिप्लेसमेंट नहीं किया जाता है, वो निकाला जाता है बस रैंडम निकाला जाता है कोई एक बैग में से और वो जो है वो एक वाइट, उसमें से एक वाइट पाया जाता है और एक को ब्लैक पाया जाता है, तो चेक करना है कि क्या वो किस कितना क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग वाई से होगा, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 बैग है, एक्स है और वाई है, एक्स में कितना है, एक्स में 4 वाइट है हमारा और 2 ब्लैक है और वाई में कितना है 3 वाइट है और 3 ब्लैक है दिया गया है ये, ठीक है, तो हम मान लेते हैं इवेंट हम मान लेते हैं बैग एक्स इज सेलेक्टेड, ठीक है, इवेंट ई में हम मान लेते हैं बैग एक्स को सिलेक्ट किया गया है और इवेंट ई टू में जो है बैग वाई इज सेलेक्टेड, ठीक है, बैग वाई को सिलेक्ट किया जाता है मान लीजिए इवेंट ई टू में और इवेंट ए में जो है वन वाइट और वन ब्लैक जो निकलता है उसको मान लेते हैं इवेंट ए, ठीक है, टेकन आउट। अब देखिए क्या पी इवेंट ई वन का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा हमारा, पी ई वन का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, ये दिया गया हमारा और पी ई टू का क्या हो जाएगा हमारा बैक वाइज से, तो इसका हो जाएगा पी ई टू का क्या हो जाएगा हमारा बैग वाइज से, ये तो हमें निकालना है ना, ये हमें निकालना है, उसके बाद क्या हो जाएगा पी ए बाई इवन क्या हो जाएगा, पी ए बाई इवन क्या हो जाएगा 4C1 इंटू 2C1 बाई 6C2 हो जाएगा, 6C2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 4 2 6, ठीक है, उसमें से 2 बॉल और फिर 4 और एक ब्लैक और वाइट, ठीक है, तो ये हो गया आपको, ठीक है, पी ए बाई ई की टू ई टू कितना हो जाएगा आपको 3C1 टू 3C2 बाई 6C2, ठीक है, ये हो जाएगा आपको, उसके बाद पी ए कितना हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी ई वन
इंटू पी ए बाय ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए बाय ई टू, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद इसको आप डालिएगा तो उसका वैल्यू रख दीजिएगा बस, पी वन बाई टू इंटू क्या हो जाएगा आपको, फोर सी वन और टू सी वन बाय सिक्स सी टू प्लस वन बाय टू थ्री सी वन इंटू थ्री सी वन बाय सिक्स सी टू, ठीक है। तो अब क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम बैग वन क्या हो जाएगा, मतलब एक्स क्या हो जाएगा, पी ई टू बाई ए इज इक्वल टू पी ई टू इंटू पी बेस फॉर्मूला से फिर बेस थ्योरम से पी ए बाई ई टू बाई पी ए, ठीक है, बेस फॉर्मूला से हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे आप लिखिएगा इधर, ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको वन बाई टू इंटू थ्री सी वन बाई सिक्स सी टू बाई वन बाई टू फोर सी वन टू सी वन बाई सिक्स सी टू प्लस वन बाई टू थ्री सी वन बाई सिक्स सी टू, और इसका जब सॉल्यूशन कीजिएगा मैंने जो फॉर्मूला बताया उस हिसाब से 9/17 आ जाएगा आंसर, चेक करना, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्व होता है वाइट बॉल और ब्लैक बॉल वाला, ठीक है। तो इस समझ में आया पी ई टू को, पी ई टू भी तो वाई वन वन बाई टू वाई टू ही हो जाएगा ना, वन बाई टू, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा दिया गया यहाँ पे ए एंड बी, एट नंबर क्वेश्चन पे, ए एंड बी थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस अल्टरनेटली टिल वन ऑफ देम गेट्स अ टोटल ऑफ 10 एंड विंस द गेम, फाइंड द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग इफ ए स्टार्ट्स फर्स्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी मान लीजिए दो आदमी हैं, वो पेयर ऑफ डाइस फेंकता है, जहाँ पे कि जब तक फेंकता है जब तक कि दोनों पे सम जो है 10 नहीं आता है और जीत जाता है गेम, ठीक है, कोई एक जीत जाता है। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है जीतने का, और वो निकालना है कि ए जो है वो फर्स्ट पहले करता है। तो टोटल ऑफ 10 कब हो जाएगा हमारा, टोटल ऑफ 10 कब किन किन केस में हो सकता है, हो सकता है यहाँ पे जब एक पे आ जाए सिक्स, एक पे आ जाए फोर, एक पे आ जाए फोर, एक पे आ जाए सिक्स और एक पे आ जाए फाइव, एक पे आ जाए फाइव, इस केस में हो सकता है टोटल ऑफ 10, ठीक है। तो मान लीजिए प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 3/36, ठीक है, तीन तरह का आउटकम निकाला उसको 3/36 हमारा बोलेंगे। तो ये कितना आ गया हमारा, 1/12 प्रोबेबिलिटी आ गया कि टू समय 10 हो सकता है। अब मान लीजिए हम मान लेते हैं कि ए स्टार्ट जो है वो फर्स्ट, ये हमने मान लिया पहले ही। तो अगर ए स्टार्ट फर्स्ट करता है तो ए फेंकेगा पहले, फिर ए फेंकेगा, फिर बी फेंकेगा, ए फेंकेगा, फिर उसके बाद ए फेंकेगा, बी फेंकेगा, ए फेंकेगा, बी फेंकेगा, ए फेंकेगा, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। तो जब प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे कि ए जो है वो जीत सकता है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, 1/12 इन प्लस इसको इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी ए, ए का क्या हो जाएगा, 11/12 डॉट 11/12 डॉट 1/12 प्लस 11/12 डॉट 11/12 डॉट 11/12 डॉट 11/12 डॉट 1/12, ठीक है, ये जा सकता है इसे, इसको हम लिख सकते हैं पी 1/12 वन प्लस 11 का बाई 12 का होल स्क्वायर प्लस 11/12 का पावर 4 प्लस, देखिए इस क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे है और इससे क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला है इस ईयर। तो हम इसको अब निकालेंगे अगर, तो 1/12 इंटू 1/1 माइनस 11/12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/12 इंटू 144 माइनस 121 हो गया। तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बींस क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 12/23 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बींस कितना हो जाएगा, 1 माइनस ए बीन हो जाएगा, 1 माइनस पी ऑफ ए बींस इसका क्या हो जाएगा हमारा, 1 माइनस 12/23 ये हो जाएगा हमारा 11/23 आंसर ये हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम। यहाँ पे दिया गया है 4 एप्पल्स एंड 3 ऑरेंजेस आर रैंडमली प्लेस्ड इन अ रो, ठीक है, 4 एप्पल्स और 3 ऑरेंजेस जो है रैंडमली एक रो में प्लेस कर दिया जाता है।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑरेंजेस आर ऑन टर्मिनल पोजिशन। ठीक है, एक रो है, एक रो है, क्वेश्चन में दिया है कि एक रो है, उसमें से ये प्रोबेबिलिटी निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे जो है ऑरेंज है, ये भी ऑरेंज है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सिंपल स्पेस एन एस, जिसे हम डिनोट करते हैं, वो कितना है, 7 फैक्टोरियल है। ठीक है, क्योंकि हमें 7 4 एप्पल है, 3 ऑरेंज है, और 7 तरह से हम इसको कर सकते हैं प्लेस। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, लेट हम मान लेते हैं लेट ई डिनोट दैट ऑरेंज आर ऑन टर्मिनल पॉइंट्स। ठीक है, टर्मिनल पोजिशन या फिर पॉइंट्स लिख सकते हैं आप। तो इससे क्या हो जाएगा, देन एन ई इज इक्वल टू 3C2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ई, कितना हो जाएगा एन ई बाई एन एस, जो कि हमारा हो जाएगा 3C2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेना, और ये आपका आंसर आता है 1/7, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। सब क्वेश्चन नंबर 10 पे दिया गया है, इन अ स्कूल देर आर 100,000 स्टूडेंट। ठीक है, 100,000 स्टूडेंट्स दिया गया है, आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स, जिसमें से 1,000 स्टूडेंट, जिसमें से 430 जो है बच्चे जो है वो गर्ल्स हैं। इट इज़ नोन दैट आउट ऑफ 430, 10% ऑफ गर्ल्स स्टडी इन क्लास प्रॉब्लम 12, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12 गिवन दैट चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल। ठीक है, तो 1,000 स्टूडेंट हैं, उसमें 430 गर्ल्स हैं, और जो यहाँ पे माना, यहाँ पे जान हम जानते हैं कि 430 में से 10% गर्ल जो है वो क्लास 12 का प्रॉब्लम स्टडी कर रही है, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडी इन क्लास 12। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई एक स्टूडेंट चूज किया गया है रैंडमली और वो क्लास 12 में पढ़ रहा है, और चूजन स्टूडेंट ये दिया गया है कि वो जो है वो गर्ल होना चाहिए। ठीक है, ये हमें दिया गया है। हम कुछ नहीं मानने का सबसे बड़ा खेल है, सबसे पहले मान लो कि लेट ए बी द इवेंट दैट द चूजन अ स्टूडेंट स्टडीज इन क्लास 12। ठीक है, 12 एंड बी द इवेंट that the chosen student is girl। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारा, देर आर फोर थर्टी गर्ल्स आउट ऑफ 1,000 स्टूडेंट्स। ठीक है, स्कूल में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा हमारा, चूजन गर्ल्स यहाँ पे लिख सकते हैं आप। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, 430 by 1,000 हो जाएगा। ठीक है, गर्ल्स का प्रोबेबिलिटी कितना है, 430 by 1,000 हो गया हमारा यहाँ पे। अब क्या दिया गया है, सिंस 10% जो है वो 12 में पढ़ रही हैं गर्ल्स। ठीक है, 10% गर्ल्स जो है वो स्टडीज इन क्लास 12। ठीक है, तो यहाँ पे सो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडीज इन क्लास 12 कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा, गर्ल्स जो है स्टडीज कर दिए वो 10% तो है ही, इंटू 430 हो जाएगा, 10% ऑफ 430। ठीक है, तो 43 बच्चे। अब क्या निकालना है हमें, P इंटरसेक्शन B निकालना है। ठीक है, मतलब कितने गर्ल्स जो है वो 12 में पढ़ रही है और रैंडमली चूज किया गया है, तो P इंटर A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा हमारा, इसको क्या कहते हैं हम लोग, चूजन स्टूडेंट जो है वो गर्ल भी होना चाहिए एंड स्टडीज इन क्लास 12 भी होने चाहिए। ठीक है, इसलिए ये इंटरसेक्शन बी होना चाहिए, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 43 by 1,000 हो जाएगा, और इसके बाद
रिकॉल प्रोबेबिलिटी क्या है हमारा निकालना है, ए बाई बी निकालना है, ठीक है। तो ए बाई बी कैसे निकलेगा हमारा, ए बाई बी हमारा निकलेगा पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 43/1000/43/100 जो कि हमारा आ जाता है 1/10 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो मुझे यही 10 क्वेश्चंस आपको प्रोबेबिलिटी में करवाने थे, और देखा आपने कि बहुत ज़्यादा इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है जबकि जब आप फॉर्मूला याद रखते हैं, तो जब आप कंडीशन याद रखते हैं तो, ठीक है। तो सारे फॉर्मूला सारे कंडीशन याद रखना, बेस थ्योरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बेस फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आते हैं, और ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी ये सब फॉर्मूला याद रखना, जो मैंने मार्क किया है इंपॉर्टेंट वाला वो सब याद कर लेना, और नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना, उसमें सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इस क्वेश्चन का, और आपको इंपॉर्टेंट जो है वो मार्क मैंने कर दिया है, तो उस नोट्स को एग्जाम से पहले एक और पढ़ लेना और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो हमको लेक्चर 8 में यही पढ़ाना था आपको प्रोबेबिलिटी का। अब मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में किसी और अलग चैप्टर के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को आप लाइक करना, अपने दोस्तों जरूर शेयर करना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।